आती है कथा एक ब्राह्मण की, जो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ ऑफ इंडिया गए हैं, जब वो भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत गए हैं। दक्षिण भारत में जब वहां पहुंचे हैं तो एक ब्राह्मण मंदिर के बाहर खड़ा भगवद गीता के श्लोक बोल रहा है, भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहा है, और वो अच्छा उच्चारण, सही उच्चारण नहीं कर रहा है। उसके आसपास बहुत सारे ब्राह्मण और बहुत सारे लोग खड़े हैं, पंडित खड़े हैं, जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं उस पर, और वो रो रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो पर पढ़ता जा रहा है भगवद गीता के श्लोकों को, बोलता चला जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु उसके पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं रोज भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करूं। तो उन्होंने कहा, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम उच्चारण कर रहे हो, तो पर रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, उन्होंने कहा, तुम रो रहे हो क्यों? ये क्या, ये लोग तुम पे हंस रहे हैं इसलिए तुम रो रहे हो? उसने कहा, नहीं, ये लोग तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरा जो उच्चारण है वो सही नहीं है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैं तो जितना जैसा पढ़ सकता हूँ वैसा उच्चारण कर रहा हूँ, पर ये इसलिए हंस रहे हैं मुझ पर। तो उन्होंने कहा, ये सब इसलिए हंस रहे हैं तुम पर, तो तुम क्या इसको बुरा मनाकर रो रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैं इनकी बात का बुरा मानता ही नहीं, इनके हंसने का मुझ पर कोई भी असर नहीं है। तो उन्होंने कहा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जब भी मैं भगवद गीता के इन श्लोकों का उच्चारण करता हूं तो मुझे अपनी आंखों के सामने वो दृश्य आता है कि जहां भगवान अपने ही भक्त की सेवा कर रहे हैं, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त का रथ हांक रहे हैं, उसकी ड्राइवरी कर रहे हैं, उसके सारथी बन गए, उसकी सेवा कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब रथ के ऊपर सारथी होता है और जो रथ पे सारथी जो हांक रहा होता है वो सारथी है, द ड्राइवर, और जो रथ पर विराजमान होता है, जो मालिक होता है उस समय, वो रथ कैसे चलवाता है? अगर उसको रथ को लेफ्ट साइड में ले जाना है तो लेफ्ट कंधे पे सारथी के अपने पैर से वो पैर मारकर उसको कहता है, और राइट को ले जाना है तो राइट कंधे पर पैर मारता है। तो भगवान ने वो स्थान ग्रहण किया सारथी का। तो ये देखकर वो व्यक्ति कहता है, जब मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ऐसा करते हैं, जब मैं इन श्लोकों को पढ़ रहा होता हूँ, उच्चारण कर रहा होता हूँ, तो मेरे मन में वही ख्याल आता है कि भगवान ने अर्जुन का रथ हांका, अर्जुन की सेवा की, और ये सोचकर मैं रोता हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं, वो अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और गले से लगाकर उसे कहा कि सही अर्थ जो भगवद गीता का है वो केवल तुम ही समझे हो। ये सब जो तुम पर हंस रहे हैं, जो बहुत ज्ञानी है, जिनका उच्चारण बहुत सही है संस्कृत के श्लोकों का, ये कुछ नहीं समझे हैं। जो तुम समझे हो वो ये समझ ही नहीं पाए। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, उच्चारण जैसा भी हो पर सिंसियर एफर्ट हो तो भगवान वही देखते हैं। हमारा सिंसियर एफर्ट भगवान देखते हैं, हमारा प्रयास देखते हैं। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण करना, भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना, और सिर्फ श्लोक ही नहीं, उनके जो अर्थ है उसको भी समझना। श्री प्रभुपाद ने तो कृपा कर दी हमारे को, उसके साथ व्याख्या भी दे दी। व्याख्या में उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों से, पुराणों से, उपनिषदों से हमारे लिए एविडेंसेस दे दिए साथ में। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज रीड भगवद गीता, रीड द ट्रांसलेशंस, रीड द पर्पस, एंड डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता। हमें मैराथन करना है भगवद गीता का, जो मैराथन श्री प्रभुपाद ने ये हमारे लिए एक सेवा दी हमें। हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सेवा मिलती है कि हम भगवद गीता दूसरों के घरों में पहुंचा पाए। ये सेवा का जो हमें प्रिविलेज दिया गया है, ये सेवा का जो मौका हमें, हमारे पर ये दिया गया, इससे आप देखिए कि हमारे ऊपर कृपा है। दिस इज द मर्सी, गुरु और कृष्ण की कृपा है, मर्सी है कि हम ये सब सुन रहे हैं और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So this is our, actually our privilege, this is our mercy upon us, this is the Krishna's
कंपैशन, दया है भगवान की हमारे ऊपर कि हम पे कृपा की है। तो आई